दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुम्मी किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सई का फूटेगा विराट पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा। दरअसल देखने को मिलता है कि सई को मोहित आकर बताता है और उसे विराट के बारे में सब कुछ जानकारी यानी कि जुटाने को कहता है और कहता है कि आपको पता करना चाहिए कि विराट दादा आजकल क्या कर रहे हैं। और उसके दिमाग में वही चल रहा होता है, श्रुति और विराट को उसने साथ देख लिया होता है। तो वहीं सई काफ़ी परेशान हो रही होती है और कहती है मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, मुझे कोई मतलब नहीं है वो क्या करते क्या नहीं करते। जिसके बाद मोहित कहता है ठीक है जैसा आपको सही लगे। लेकिन दूसरी तरफ देखने सुबह सुबह ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि सभी घर वाले सही से ही पूछते हैं कि विराट कहाँ गया है और सही फिर से सबको लेक्चर सुनाने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। उसका आज रिजल्ट आने वाला है और सभी के सभी बेचारी को परेशान कर रहे होते हैं। सही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यहाँ पर भवानी ये सब लोग भी उसे विराट के बारे में उल्टा सीधा यहाँ पर कह रहे होते हैं। सही कह देती है कि मुझे क्या पता वो आजकल कब कहाँ कहाँ चले जाते हैं, उनके पास एक कॉल आता है और वो उठकर चल लेते हैं। सुबह सुबह भी पता नहीं कहाँ चले गए और मुझे बता कर नहीं गए और आपको लगता है कि अगर मुझे बताते हैं। लेकिन आज मुझे किसी के ऊपर कोई मतलब नहीं है, आज मैं सिर्फ अपने रिजल्ट पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। इसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर विराट और पुलकित दोनों की ही एंट्री होती है। देखने को मिलता है कि पुलकित और विराट उसकी टांग की चेक करते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट बहुत और यहाँ ऐसे लग रहा होता है जैसे उसका रिजल्ट बहुत बेकार है और सही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन पुलकित कहता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत अच्छा आया और तुमने टॉप किया और अब कॉलेज वाले उसे बहुत उसको अवार्ड भी देना चाहते हैं। और देखने को मिलता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि विराट सही के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता है कि और उसके लिए सरप्राइज लेकर आता है, सरप्राइज गिफ्ट लेकर आता है। जिसके बाद यहाँ सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सही की पार्टी की तैयारी हो चुकी होती है। लेकिन विराट के पास एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है और ये देखकर सही को बहुत बुरा लगता है और कहते हैं कि हाँ बस मुझे पता है आजकल उस कॉल के अलावा भी उनका कोई काम है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी उनकी कोई लाइफ हो चुकी है। और सही बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है कि वो अधूरी अधूरी पार्टी छोड़कर विराट चला जाता है श्रुति के पास क्योंकि हॉस्पिटल से कॉल आता है, जल्दी ही वो माँ बनने वाली है। और ये सब कुछ विराट इसीलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और देखने को मिलेगा कि अब सही बहुत बुरी तरह से विराट से नाराज़ होगी और घर छोड़ने का फैसला करेगी। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि विराट सही को और परिवार वालों को क्या सच्चाई बताता है श्रुति के बारे में।